गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। धर्मेंद्र हेमामालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा की बेहतरीन अदाकारी से सजी दोस्त फिल्म तो सिने प्रेमियों को याद ही होगी। 12 अप्रैल 1974 को रिलीज इस फिल्म को देखने उस टाइम सिनेमा घरों में भारी भीड़ पहुंची थी, जिससे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कारोबार किया था और आज भी ये फिल्म कहीं न कहीं कई लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में भी शुमार है। तो चलिए फिर आज 50 सालों बाद इसी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते और यादें ताजा करते हैं। गाड़ी बुला रही है। दोस्त फिल्म में धर्मेंद्र को मानव नाम के एक लड़के के रोल में दिखाया गया है, जिसकी परवरिश फ्रांसिस फादर करते हैं और अच्छी तालीम देते हैं। ऐसे में मानव जब अपनी पढ़ाई पूरी कर घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वह नौकरी की तलाश में बॉम्बे रवाना हो जाता है, जहाँ ट्रेन में सफर करने के दौरान उसकी मुलाकात होती है गोपीचंद यानी शत्रुघ्न सिन्हा से, जो एक चोर और मानव का बैग लेकर भाग जाता है, जिससे मानव भी ट्रेन से कूद कर उसके पीछे भागता और आखिरकार गोपीचंद से अपना सामान वापस ले लेता है। लेकिन इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और गोपीचंद सारे बुरे काम छोड़कर जब अच्छा इंसान बनने का फैसला कर लेता है तो मानव उसे अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है। जिसके बाद कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक दिन ऑफिस में मानव की मुलाकात काजल यानी हेमा मालिनी से होती है और जल्द ही दोनों का रिश्ता प्यार में बदल जाता है। बस ऐसे में फिल्म की पूरी कहानी दोस्ती और प्यार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। गाड़ी बुला रही है। अब दोस्त फिल्म को लेकर पर्दे के पीछे की कई बातें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में गोपीचंद के किरदार के लिए शत्रुघ्न सिन्हा मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि इस रोल के लिए पहले संजीव कुमार को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में हेमा मालिनी के कहने पर उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा से रिप्लेस कर दिया गया। बताया जाता है कि इस फिल्म से पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन हेमा ने एक्टर का प्रस्ताव पूरी तरह ठुकरा दिया था। हेमा नहीं चाहती थी कि वे एक ही फिल्म में धर्मेंद्र और संजीव कुमार के साथ काम करें। वैसे अब दोस्त फिल्म का मुहूर्त क्लैपिंग शॉट राजेश खन्ना के हाथों 1 जून 1972 को लिया गया था और इससे पहले हेमा ने धर्मेंद्र व संजीव कुमार के अपोजिट डबल रोल में सीता और गीता में भी साथ काम किया था, लेकिन संजीव कुमार द्वारा शादी का प्रपोजल देने के तुरंत बाद हेमा नहीं चाहती थी कि वे दोनों के ही साथ एक ही फिल्म में काम करें। हालांकि हेमा ने इसके बाद शोले में जरूर दोनों के साथ काम किया, लेकिन उसमें संजीव कुमार एक काफ़ी डिफरेंट रोल में थे और फिल्म का बजट भी दोस्त फिल्म के मुकाबले कहीं ज़्यादा था, इसलिए हेमा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। गाड़ी बुला रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोस्त फिल्म में काजल के रोल के लिए भी साल 1973 में मेकर्स ने पहले प्रवीण बाबी को कास्ट किया था, लेकिन फिल्म फ्लोर पर जाने से पहले मेकर्स ने उन्हें हटाकर हेमा मालिनी को ये रोल दे दिया, जिसके बाद डायरेक्टर दुलाल गुहा के इस फैसले पर प्रवीण बाबी काफ़ी शॉक्ड भी हो गई थी। हालांकि उन्हें इस बारे में बाद में ही पता चला कि वे फिल्म में नहीं है। वैसे अब हेमा को दोस्त फिल्म में कुछ इस वजह से भी लिया गया था क्योंकि उनकी धर्मेंद्र के साथ जोड़ी सुपरहिट थी। दोनों की इससे पहले आई तो मशीन में जवान, सराफत, नया जमाना, सीता और गीता, राजा जानी और जुगनू जैसी सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी। ऐसे में दोनों की केमिस्ट्री को देखते हुए दर्शक भी इन्हें लगभग हर फिल्म में साथ ही देखना पसंद करने लगे थे और फिर कहीं ना कहीं इसी वजह से निजी जिंदगी में भी दोनों के इश्क के चर्चे सुनने को मिलने लगे थे। गाड़ी बुला रही है। अब दोस्त फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार बेशक सपोर्टिंग एक्टर का था, लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब उनके किरदार की चर्चा हुई और उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट सहायक अभिनेता का नॉमिनेशन मिला। इससे पहले 1971 में पारस फिल्म के लिए भी शत्रुघ्न को फिल्म फेयर में बेस्ट सहायक अभिनेता का ही नॉमिनेशन मिला था। अब शत्रुघ्न सिन्हा की साइन की पहली फिल्म थी सदाबहार देवानंद की प्रेम पुजारी, लेकिन फिल्म कुछ वजहों से डिले हो गई थी। इस वजह से मनोज कुमार स्टारर साजन उनकी डेब्यू फिल्म बन गई, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का कोई खास बड़ा रोल भी नहीं था और ना ही ज़्यादा बड़ा रोल था इसके बाद आई धर्मेंद्र की प्यार ही प्यार में। लेकिन फिर इसके बाद जैसे जैसे शत्रुघ्न के रोल बड़े होते गए वे अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतते चले गए। रामपुर का लक्ष्मण, भाई हो तो ऐसा, हीरा और ब्लैकमेल जैसी फिल्मों में शत्रुघ्न ने छोटे मोटे और साइड हीरो वाले किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने खलनायक का किरदार निभाकर अपनी धाक जमाई और एक के बाद एक कई शानदार किरदार निभाए, जिनमें मेरे अपने, सबक, खिलौना, आग ले लग जा, झील के उस पार, रास्ते का पत्थर,
और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन इन सब से अलग शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत साल 1976 में तब पलटी जब उनके हाथ लगी फिल्म कालीचरण। अब कालीचरण फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने दर्शकों को हैरान कर दिया था और इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स को ये यकीन दिला दिया था कि वे नेगेटिव किरदार ही नहीं बल्कि लीड रोल भी बखूबी निभा सकते हैं और बड़े बड़े सितारों को भी टक्कर दे सकते हैं। गाड़ी बुला रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र रिलीज होने से पहले ये मान चुके थे कि दोस्त फिल्म सुपर फ्लॉप होगी, इसलिए जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो उससे पहले ही धर्मेंद्र बॉम्बे से गायब हो चुके थे। ऐसे में फिल्म से जुड़े सभी लोग हैरान थे कि अचानक धर्मेंद्र कहाँ चले गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो कश्मीर में हैं। खैर कोई बात नहीं, धर्मेंद्र के बिना मेकर्स ने एक छोटा सा प्रीमियर रखा और फिल्म को रिलीज कर दिया। लेकिन अब हुआ कुछ ऐसा कि धर्मेंद्र को जब कश्मीर में किसी से ये पता चला कि दोस्त फिल्म हिट हो गई है और कश्मीर में भी उसके सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं, तो ऐसे में धर्मेंद्र को काफी हैरानी हुई और तत्काल ही वे कश्मीर के एक सिनेमाघर में फिल्म देखने पहुंच गए, जहां फिल्म को लेकर धर्मेंद्र ने जब लोगों की दीवानगी देखी तो वे गदगद हो गए। बस फिर क्या था, धर्मेंद्र ने अगली सुबह ही पहली फ्लाइट पकड़ी व बॉम्बे आ गए और फिर एयरपोर्ट से सीधे डायरेक्टर दुलाल गुहा के घर जा पहुंचे। सुबह के 9 बजे थे जब दुलाल गुहा धर्मेंद्र के सामने आए और आते ही धर्मेंद्र उनके सामने दंडवत प्रणाम कर लेट गए। धर्मेंद्र ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि उन्होंने जो सोचा था वह एकदम गलत था। वैसे धर्मेंद्र ने इसके बाद निर्माता प्रेम जी से भी माफी मांगी थी। गोपी सर सोच, देख देख राजू तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें भाई कहता है, तुम इससे प्यार करते हो। अब दोस्त फिल्म की कामयाबी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा भी दुलाल गुहा के डायरेक्शन की खूब जमकर तारीफ कर रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि दुलाल गुहा के साथ काम कर उन्हें काफी सेटिस्फेक्शन मिला था, क्योंकि दरअसल वे स्पेशली अभिनेताओं के डायरेक्टर थे। वे यूनिट मेंबर और टेक्नीशियन पर तो अक्सर बरस पड़ते थे, लेकिन कलाकारों पर कभी नहीं बरसे। यहाँ तक कि जब कोई कलाकार सेट पर देर से आता था तब भी दुलाल गुहा उसकी शिकायत नहीं करते थे और काफी नरमाई से बात करते थे। इस वजह से धर्मेंद्र होया हेमा मालिनी या उस शत्रुघ्न सिन्हा, तीनों के ही साथ इसके बाद दुलाल गुहा ने अलग अलग फिल्मों में काम किया था। धर्मेंद्र हेमा की जोड़ी के साथ दुलाल गुहा ने जहाँ इसके बाद प्रतिज्ञा, दिल का हीरा और दो दिशाएं के अलावा के लिए धर्मेंद्र की मेरा कर्म मेरा धर्म जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा को खान, दोस्त और सागर संगम में डायरेक्ट किया था। गाड़ी बुला रही है। अब आज का दौर भले ही फिल्मी संगीत का सबसे खराब समय है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सैकड़ों हिंदी फिल्में सिर्फ गीतों की वजह से सिनेमाघरों में चलती थी। यहाँ तक कि कई गीतों ने तो कई नॉन एक्टर को भी फिल्मों में स्टार का दर्जा दिलाया था। इस वजह से पुराना दौर गीत संगीत के लिहाज से काफी बेहतरीन था और यहाँ तक कि सुनने वालों की जिंदगी के भी सुख दुख का हिस्सा होता था। बस यही वजह थी कि अपने खूबसूरत गीतों के लिए सैकड़ों पुरस्कार और ट्रॉफी जीतने वाले गीतकार आनंद बख्शी के पास आई तब एक चिट्ठी उनके जीवन की बेहद कीमती चिट्ठी बन गई थी, क्योंकि दरअसल दोस्त फिल्म में आनंद बख्शी का लिखा और किशोरदा का गाया गीत गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। लोग इस गीत को अक्सर गुनगुनाते रहते थे, यहाँ तक कि रेडियो के फरमाइशी प्रोग्राम में भी इस गीत की खूब डिमांड रहती थी। बस ऐसे में फिल्म की रिलीज के बाद एक दिन आनंद बख्शी के पास उनके बेटे राकेश एक लिफाफा लेकर आए। आनंद बख्शी ने लिफाफा खोला तो उसमें एक आदमी ने लिखा था, मैं अपनी जिंदगी से काफी तंग आ गया था, काम न मिलने से आमदनी भी जीरो थी। बस तभी उन्होंने सोचा कि रेल की पटरी पर जाकर लेट जाऊं और जब ट्रेन ऊपर से गुजरेगी तो जिंदगी के सभी झंझटों से फ्री हो जाऊंगा। ऐसे में पटरी पर लेट कर वे इंतजार ही कर रहे थे कि रेलवे ट्रैक के किनारे एक बस्ती में रेडियो पर गीत बजने लगा, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी चलती जा रही है। ये लाइन उनके कानों में पड़ते ही उनका इरादा बदल गया और वे घर लौट आए। इसके अलावा उस शख्स ने आनंद बख्शी के बारे में आगे लिखा कि आपकी वजह से उनका पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए आगे की जिंदगी का सारा क्रेडिट आनंद बख्शी साहब को ही जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने ये गीत नहीं लिखा होता तो उस रोज वे रेल से कट कर मर गए होते। बस ऐसे में पूरी चिट्ठी पढ़कर आनंद बख्शी तब काफी भावुक हो गए और उन्होंने लिफाफा लेकर आए अपने बेटे राकेश से कहा कि भले उन्हें बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड मिले, काफी दौलत शोहरत भी मिली, लेकिन अब ये खत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। बस इसीलिए आनंद बख्शी साहब ने चिट्ठी को बहुत प्यार से चुमा और उसे अपनी शर्ट की जेब में रख कर वहां से चले गए। बस ऐसे में ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है कि हिंदी फिल्मों के गीत दशकों तक लोगों के सुख दुख की कहानी कहते रहे हैं। वैसे एक बात ये भी कि लोगों द्वारा ये गीत इतना गुनगुनाने के बावजूद गीतकार आनंद बख्शी और गायक किशोर कुमार अवार्ड नहीं जीत पाए थे व नॉमिनेशन से संतोष करना पड़ा था। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मैं न बोलूंगा गीत के लिए गीतकार संतोष आनंद व और नहीं बस और नई गीत गाकर महेंद्र कपूर अवार्ड जीतने में कामयाब हुए थे।
गाड़ी बुला रही है। अब दोस्त फिल्म में अमिताभ बच्चन भी एक छोटी सी भूमिका में नजर आए थे। वैसे अमिताभ तब जंजीर जैसी बड़ी हिट फिल्म देखकर इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें दोस्त फिल्म में क्रेडिट नहीं मिला। हालांकि फिर जब 80 के दशक में दूरदर्शन ने पहली बार इस फिल्म का प्रसारण किया तो लोग अमिताभ बच्चन के उस छोटे से सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली दोस्त फिल्म रोमांस ड्रामा और बेहतरीन गीत संगीत से सजी फिल्म है। इसके अलावा फिल्म जहां अमीर गरीब के बारे में एक सामाजिक संदेश देती है, वहीं फिल्म में कुछ मजेदार सीन भी हैं। यानी कुल मिलाकर फिल्म में कई सब प्लॉट होने के बावजूद डायरेक्टर दुलाल गुआन ने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से हैंडल किया है। सो दोस्त फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ है।